गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी सुबह के 4:30 बजे और आज है दिवाली रामा सामा। दिवाली का नेक्स्ट डे 5 नवंबर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं और भाभी साहब पूरे घर में फिर से दिए लगा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है। हमारे यहाँ पे रिचुअल है, मतलब आज का ये रिचुअल है, परंपरा है कि इस दिन हम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और घर में झाड़ू लगाकर फिर से घर में दिए लगाते, पूरे घर को दिए से सजाते हैं और इसके बाद में थाली या छाजला लेकर चांदी की पायल से बजाते हैं, घर के अंदर से लेकर बाहर तक जाते हैं और बोलते हैं कि भद्रकाली माँ जाओ, लक्ष्मी देवी जी पधारो। इन सब कहीं तो लक्ष्मी जी को घर पर पधारने को कहते हैं, जिससे कि घर में सुख शांति और लक्ष्मी जी का वास हो। आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है या इसके अलावा नेक्स्ट दिन दिवाली के नेक्स्ट दिन आप क्या करते हैं, कौन सा रिचुअल होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सब करने के बाद में मेन गेट से लेकर अंदर मंदिर तक कंकु के पगली करते हैं। कंकु के पगली करने का मतलब है कि हमने लक्ष्मी जी को पहले बुलाया, मतलब उन्हें इनवाइट किया और अब वो हमारे घर पधार चुके हैं। तो ये जो पगली होती है ये इसका संकेत होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुमकुम के पगली कर रही हूँ और ये घर के बाहर से लेकर जो घर का मेन मंदिर है अंदर वहाँ तक करेंगे। वैसे आजकल स्टिकर आने लग गए हैं तो स्टिकर लगा देते हैं मंदिर। मम्मी जी वैसे स्टिकर लाए थे तो वो जो स्टिकर है वो मैं अंदर मंदिर, जो मेन मंदिर है हमारे घर में, वहाँ पर लगा दूँगी। तो बस ये आप सुबह मॉर्निंग का वीडियो देखिए और वीडियो में बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल दिवाली थी और दिवाली वाला ब्लॉग हमने कल एंड किया और आज मिल रही हूँ मैं आपसे इस टाइम। तो अभी तक आपने जो भी वीडियो देखा वो सुबह मॉर्निंग का था, सुबह जल्दी उठे थे तो वो देख लिया आपने। आज है रामा सामा, तो आप सबको दिवाली की राम राम सा। लंच में हमने बनाया दाल बाटी चूरमा और अभी हम जाएंगे मिलने के लिए। तो मासी जी के घर जाएंगे और पास में एक और आंटी जी रहते हैं, उनके यहाँ जाएंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे। तो फटाफट अभी मैं रेडी होंगी, तो मैंने रखड़ी तो लगा दी, बस ड्रेस चेंज करना है तो अभी ड्रेस चेंज कर देंगे और उसके बाद आने के बाद में वही घर का मतलब काम करेंगे, मतलब रात के खाने की तैयारी करेंगे। और अगर कुछ और भी अपडेट होता है या और कुछ करते हैं दिखाने को होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तक तो इतना ही है। और सुबह जो मॉर्निंग वाली क्लिप आपने देखी वो सुबह बहुत जल्दी मॉर्निंग की थी, क्योंकि दिवाली की जो नेक्स्ट सीन होता है दिवाली रामा सामा, तो वो सब आपने देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, कल वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। तो अब हम जा रहे हैं मासी जी के यहाँ। मेरे जो मासी सासू जी हैं या काके सासू जी को कह सकती हो, दोनों हैं तो वो यहाँ पास में रहते हैं, तो उनके यहाँ जा रहे हैं हम मिलने के लिए। वैसे उनको मेरे वीडियो में आप देख चुके हैं, मैं भाभी से यहाँ मिल के बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए हमने और एक तो रील बना रहे थे, बट कोई भी रील बैठी नहीं, बस टेक ले रहे जा रहे थे, अब कोई भी परफेक्ट रील नहीं बनी। 1 2 3 अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं। मम्मा कानू, ये अच्छा लग रहा है, देख इसका अभी सब हम रेडी होकर, मतलब पूरी फैमिली जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और आज का दिन है भाई दूज का दिन, मतलब 6 नवंबर। रामा सामा के दिन, दिवाली रामा सामा के दिन मैं मासी जी के घर गए थे, उसके बाद हम दो और घर गए, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया और ना ही ब्लॉग का एंड किया। तो अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि और कुछ ब्लॉग में दिखाने को था ही नहीं। आज हम जा रहे थे बाहर तो वहाँ का रेस्टोरेंट मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो वह इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अभी फिर से वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए।
कारण में पापा के पास जाना। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इसी हॉल में। सो अभी बस वेट है खाना कब आएगा। सो हम सामने बैठो मेरे को पापा हमारे पास बैठ जाओ बच्चों के साथ। तो अभी डिसाइड हो रहा है प्लेस, तो हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बाहर पूजा हो रही है। दीदी ने ये पहना है, मैंने एक टॉप पहना है और नीचे स्कर्ट पहनी है। कानू हेलो करो। सो गाइस, अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ पर तैयारी चल रही है सुंदरकांड कथा की। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है सुंदरकांड। तो आज है 9 नवंबर मंगलवार और अब थोड़ी ही सी देर में ही स्टार्ट होने वाला है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड सुनने में बहुत मज़ा आता है और बहुत आनंद आता है। तो आप भी मेरे साथ इस कथा का आनंद लीजिए। लंका विद्वान
श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति विधवी शांति रावह शांति 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 वैराज्यम पार्वेष्टम राज्यम महाराज्याधिपत्यमय समंत वरिया तो फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।